हेलो, मैं हूं आपका होस्ट जयंत और आप देख रहे हैं फ्लैट क्लब मुंबई का एक नया अपडेट। दोस्तों, जब हम घर लेते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें से एक जरूरी बात यह है कि जब आप घर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। आपको घर पसंद आता है, आप ओनर के साथ अग्रीमेंट करते हैं और ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज देते हैं या डायरेक्ट डील करते हैं, जैसे भी करते हैं दैट इज़ ओके। और आप शिफ्ट होते हैं, 1 साल आपका पूरा रिलेशन अच्छा रहता है, लेकिन बहुत बार आपका ओनर के साथ रिलेशन इतना अच्छा हो जाता है कि आप भूल जाते हैं कि आप एक टेनेंट हैं। आपको ये लगने लगता है कि ओनर आपका रिश्तेदार है और यहीं पर आप खा जाते हैं गच्चा। जी हाँ, आप जब घर लेते हैं तो बिल्कुल भी ओनर के साथ पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने ब्रोकर के साथ कर लिया हो या विदाउट ब्रोकरेज कर लिया हो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब आपको घर छोड़ना है तो आप अपने ओनर को रिटन में नोटिस दीजिए और उसकी रिसीविंग लीजिए। और अग्रीमेंट में क्लॉज होता है कि जब आप घर छोड़ेंगे तो आपका एक रिटेनिंग अमाउंट होता है 5 to 10 thousand rupees डिपेंड ऑन डील। अगर बहुत बड़ी डील है, 5 लाख रेंट है तो 1 लाख रुपए 50,000 हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल 25,000 50,000 है तो 5 से 10 हज़ार रुपये ओनर अपने डैमेज रिकवरी के लिए रखता है। अगर आपने कुछ डैमेज किया है तो उसका भुगतान आपको करना होता है। रिपेयरिंग कॉस्ट आपके जो 10,000 रुपये उन्होंने रोके हैं और उसके लिए उससे वो रिकवर करते हैं, और यह क्लॉज होता है अग्रीमेंट। तो कभी भी इसके लिए हम ओनर से झगड़ा ना करें कि नहीं, 10,000 नहीं रख सकते, ऐसा नहीं रख सकते, वैसा नहीं। तो वो होता ही है, वो आपको करना है। तो फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको आफ्टर 15 days to 1 month का पीरियड रहता है, अगर आपकी सारी चीज़ें ओके हैं तो आपको वो पैसा मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप घर छोड़ते हो तो बस ऐसे ही किसी को चाबी मत दे दो, सिक्योरिटी गार्ड को चाबी दे दी, किसी रिश्तेदार को चाबी दे दी, तो फिर आपका वो अमाउंट वापस होने के चांसेस कम होते हैं। जब आप ओनर को अपना घर रीचेक करा देंगे, जैसे कि आप जब घर लेते हैं तो आप सब चीज़ें चेक करके लेते हैं, देखिए सर हमारी वॉशिंग मशीन सही काम कर रही है, हमारा एसी सही काम कर रहा है, सारी चीज़ें आप चेक करते हो। वैसे ही जब आप घर छोड़ते हैं तो आप अपना जो पूरा घर है वो ओनर को चेक करा दीजिए। सब देखिए, सारे कर्टन रॉड्स लगे हुए हैं, अगर आपने फर्नीचर दिया था तो देखिए आपका सारा फर्नीचर सुरक्षित है, कुछ भी खराब नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग, सब कुछ वर्किंग है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बाद में निकलता है ऐसा तो आप हमें बताना, तो हम उसके लिए बात करेंगे। तो आप उसको चेक करा के चाहिए। बहुत 90% लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और ओनर को घर रीचेक नहीं कराते कि आपने हमें घर ऐसा दिया था, अब हम ऐसा घर दे रहे हैं। वो आपके लिए भी अच्छा है, ओनर के लिए भी अच्छा है, तो बात की टेंशन नहीं होती है। तो अगर आप, और एक ज़रूरी बात है कि जब आप घर छोड़ते हैं तो अपना पहले डिपॉजिट ले लीजिए, फिर आप चाबी दे दीजिए। आप ऑनलाइन अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन पैसा तुरंत ले लीजिए और चाबी दे दीजिए, और अगर आपने कैश दिया है तो कैश ले लीजिए और फिर चाबी दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बाद में डिपॉजिट वापस नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं डिपॉजिट वापस होने के, क्योंकि आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, आप कोर्ट में केस भी फाइल नहीं कर सकते। और कौन कोर्ट के चक्कर लगाना चाहता है, सिविल कोर्ट में आपको जाना है, वहाँ कोर्ट फाइल करना है, 1,50,000 रुपये के लिए आपका समय बर्बाद होगा, टेंशन होगी, सवाल होगा। तो आप इन सब जरूरी बातों का ध्यान रखिए और हैप्पी अकोमेंडेशन एंजॉय करते रहिए। तो क्या मैंने जरूरी बातें बताई हैं कि रिमेनिंग अमाउंट आपको अगर वापस चाहिए तो ओनर को घर रीचेक कराइए जो आप घर छोड़ते हैं। बिना डिपॉजिट लिए आप ओनर को घर की चाबी मत दीजिए, नहीं तो आपका डिपॉजिट खतरे में पड़ जाता है। और ओनर के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, ओनर के साथ आपका अग्रीमेंट है लिविंग लाइसेंस का, ओनर आपका रिश्तेदार नहीं है। और जब तक आप घर में रहते हैं, किसी ओनर के घर में रहते हैं, तो आप रेंट दे रहे हैं, आप टेनेंट हैं, यू आर नॉट ओनर, डोंट रिएक्ट लाइक अ ओनर। और आप कुछ नहीं कर सकते ओनर का, अगर आप दादागिरी दिखाते हैं, आप कुछ भी ऐसा मिसबिहेव ओनर के साथ करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका डिपॉजिट ओनर काट लेगा।
या आपके साथ में वो फिर बाद में ऐसा कर सकता है कि आपसे घर तुरंत खाली करा ले, फिर आपकी आपका ही लॉस होगा। पूर्ण भगवान की तरह मान के चलिए, थोड़ा अवेयर होके चलिए कि सारी चीज़ें आप घर ले रहे हो, काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक था कि जब हम घर छोड़ते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आपका क्या अनुभव रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।